Hello my dear students, how are you all? Hope so you are doing well. In today's lecture, we will understand use of modals. सबसे पहले हम समझेंगे pronunciation को कि आखिर हम pronunciation में कहाँ पर mistake करते हैं. My dear students, generally हम सभी modal को model पढ़ते हैं. देखिए English में two words हैं जिनको हम same pronunciate करते हैं. एक है model और एक है modals. मॉडल्स जो हम वर्ब की तरह यूज करते हैं हमारे स्पोकन इंग्लिश में आज हम समझेंगे. दूसरा वर्ड होता है मॉडल. तो यहां पर देखिए प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक है. अगर आप भी ये मिस्टेक करते हैं तो आज से सुधार लीजिए. जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं हमारे वर्ब की तरह वो हमारे मॉडल्स हैं ना कि मॉडल. इंग्लिश में हम मॉडल्स वर्ब का यूज हमारी कैपेसिटी को शो करने के लिए दिखाते हैं, परमिशन के लिए दिखाते हैं, कंपल्सन के लिए दिखाते हैं, ऑब्लिगेशन के लिए दिखाते हैं, ड्यूटी के लिए दिखाते हैं. तो आइए हम बारी बारी से समझेंगे और उन मॉडल्स को समझेंगे जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. सबसे पहले समझते हैं यूज ऑफ मे. मॉडल्स के लिए ये फिक्सेशन नहीं है कि हम सिर्फ एक ही जगह पर उनका यूज करेंगे. अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग कंडीशन में हम मॉडल्स का यूज बदल सकते हैं. जैसे कि मे का यूज हम परमिशन देने के लिए करते हैं, लेने के लिए करते हैं, किसी को दुआ देने के लिए करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए करते हैं, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए करते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट टाइप यूज, मतलब कि परमिशन के लिए हम कब यूज करते हैं. जब बात हो फॉर्मल परमिशन लेने के लिए, जब हम अपने सीनियर से परमिशन लेते हैं, हमारे टीचर्स से परमिशन लेते हैं, पेरेंट्स से परमिशन लेते हैं, तब हम वहां पर मे का यूज करेंगे. मे आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ. जब पापा से पूछना हो, पापा मे आई गो, May I come in, sir? May I sit down? May I go? May I run? इस तरह से हम परमिशन के लिए मे का यूज करते हैं. पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं. जैसे कि he may come today. वो आज आ सकता है. संभावना लग रही है. जो रियल पॉसिबिलिटी है, कोई काल्पनिक नहीं है, वो आज आ सकता है. It may be rain today. आज बारिश हो सकती है. इसी के लिए प्रार्थना करने के लिए, प्रेयर करने के लिए, दुआ देने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं. मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी मदद करे, तुम्हारा भला करे, तुम्हें आशीर्वाद दे. मे ही सोल रेस्ट इन पीस, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे. तो इस तरह से हम प्रार्थना देने या लेने के लिए हम मे का यूज कर सकते हैं. कैन का हिंदी मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं. मतलब कि जब हमें कैपेसिटी शो करना हो, किसी की काबिलियत दिखानी हो, अपनी काबिलियत क्षमता बतानी हो, तब हम वहां पर कैन का यूज करेंगे. परमिशन के लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं. देखिए अभी मैंने आपको बताया था परमिशन के लिए हम मे का यूज करते हैं, लेकिन कैन का यूज भी हम परमिशन के लिए कर सकते हैं, अनुमति के लिए कर सकते हैं. लेकिन वो कब, जब हम इनफॉर्मल वे में यूज करें. इनफॉर्मल वे मतलब कि जब हम फ्रेंड से बात करें, अपने जूनियर से बात करें, जूनियर से परमिशन लेना हो, जब बेटा अपने पापा से परमिशन ले तब वहां पर मे का यूज करेंगे, और पिताजी अपने बेटे से परमिशन ले तब हम वहां पर कैन का यूज करेंगे. परमिशन के लिए कहां पर आपको मे का यूज करना है और कहां पर आपको कैन का यूज करना है, ध्यान से समझिए. अगर स्टूडेंट टीचर से परमिशन लेता है तब वहां पर मे का यूज, और अगर टीचर्स स्टूडेंट से कोई चीज लेते हैं या परमिशन लेते हैं तब वहां पर कैन का यूज. देखिए किस तरह से, अगर स्टूडेंट टीचर से कहे कि मैं अंदर आ सकता हूं तब वो बोलेगा मे आई कम इन सर. अगर टीचर को स्टूडेंट्स की कोई चीज लेनी है, सपोज करो पेन लेना है, तब वो क्या बोलेंगे, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं. कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं. कैन यू शो मी योर बुक, क्या तुम मुझे अपनी किताब दिखा सकते हो. कैपेसिटी के लिए कैन का यूज कैसे कर सकते हैं. मैं जा सकता हूं, मैं खा सकता हूं, तुम कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते, तुम बैठ सकते हो, वो आ सकते हैं. तो यहां पर हम कैन का यूज करेंगे. कैन का यूज करने के लिए आपको सब्जेक्ट, देन कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. यू कैन विन द रेस, तुम रेस जीत सकते हो. शी कैन डू दिस वर्क, अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कैन के बाद नॉट लगा दीजिए, आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. यू कैन नॉट कम, दे कैन नॉट गो. परमिशन के लिए हम कैन का यूज कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया है, कुछ सेंटेंसेस और बना सकते हैं. कैन यू गो विथ मी, कैन यू कम, कैन यू गो, यू कैन टॉक,
यू कैन नॉट टॉक। अगर आपको इंटरवेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तब आपका स्ट्रक्चर होगा कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। क्या तुम पहाड़ चढ़ सकते हो? कैन यू क्लाइम द माउंटेन? क्वेश्चन वर्ड्स यानी कि WH वर्ड्स के साथ भी आप मॉडल का यूज कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन शी ईट। हमारा नेक्स्ट मॉडल है कुड। कुड का यूज भी हम कैन की तरह करते हैं, लेकिन कब? पास्ट टेंस में। मतलब कि कैन की पास्ट कंडीशन में हम कुड का यूज करते हैं। मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन। मैं दौड़ सकता था, आई कुड रन। पास्ट में अगर आपको कैपेसिटी शो करनी हो, काबिलियत शो करनी हो, तब वहां पर आप कुड का यूज करेंगे। चलिए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। वह लिख सकती थी, शी कुड राइट। वो आ सकती थी, शी कुड कम। तुम उससे बात कर सकते थे, यू कुड टॉक टू हिम। तो इस तरह से कैपेसिटी के लिए हम कुड का यूज करते हैं। परमिशन के लिए हम कुड का यूज कैसे करते हैं? कई बार आपने प्रेजेंट टेंस के साथ कुड का यूज होते हुए देखा होगा। जब हम किसी से बिल्कुल पोलाइट वे में हेल्प के लिए कहते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं, तब वहां पर हम कुड का यूज करते हैं। जैसे कि कुड यू स्विच ऑफ द फैन, क्या तुम पंखा बंद कर सकते हो? कुड यू कम विथ मी, कुड यू टेक द बैग प्लीज, क्या तुम ये बैग ले सकते हो? कुड यू कम विथ मी, कुड यू गो विथ मी, कुड यू गो देयर। नरेशन में हम कुड का यूज करते हैं। नरेशन में जब हम कैन को बदलते हैं तो वहां पर हम कुड का यूज करते हैं, जैसे कि ही सेड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग। हमारा नेक्स्ट मॉडल है शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। जब हम साधारण वे में किसी को सलाह देते हैं, सलाह लेते हैं, तब वहां पर हम शुड का यूज करते हैं। यू शुड लीव दैट प्लेस, तुम्हें उस स्थान को छोड़ना चाहिए। मुझे आना चाहिए, आई शुड कम। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। यू शुड हेल्प हर, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम्हें घर जाना चाहिए, यू शुड गो होम। तुम्हें घर जाना चाहिए, यू शुड गो होम। तो इस तरह से नॉर्मल एडवाइस के लिए हम शुड का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसी एडवाइस देनी है जो बहुत ज्यादा कंपल्सिव हो, बहुत जरूरी हो, तब हम वहां पर मस्ट का यूज करेंगे। मस्ट का मतलब होता है चाहिए ही। जैसे कि वी मस्ट सेव ट्रीज, हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। यू मस्ट स्टडी, वी मस्ट वियर मास्क, हमें मास्क लगाना ही चाहिए। और अगर हमें किसी को मोरल एडवाइस देनी है, मतलब कि हम उसे फोर्स नहीं कर सकते कि भाई तू ऐसा कर, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग उसे जरूरी है, तो वहां पर हम जिस मॉडल का यूज करेंगे वो है हमारा ought to। हमें सच बोलना चाहिए, we ought to speak truth। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, we ought to help the poor। तुम्हें मंदिर में प्रार्थना करनी चाहिए, you ought to pray in the temple। उसे ईमानदार होना चाहिए, he ought to be honest। हमारा नेक्स्ट मॉडल है would। would का यूज हम बेसिकली फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह करते हैं, लेकिन हम मॉडल में किस तरह से would का यूज करेंगे, आइए समझते हैं। जब हमें किसी से ऐसी परमिशन लेना है जिसमें उसकी इच्छा हो, मतलब कि वो भी वैसा काम करना चाहता हो, तब हम वहां पर would का यूज करेंगे। वुड यू लाइक टू गो विथ मी, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू टी, वुड यू लाइक टू गो विथ मी, वुड यू लाइक टू कम विथ मी। तो इस तरह से परमिशन के लिए हम वुड का यूज करेंगे। वुड का यूज हम किसी की आदत बताने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें किसी की पुरानी आदत बतानी है, पास्ट की किसी की हैबिट बतानी है, तब हम वहां पर वुड का यूज करते हैं। जैसे कि व्हेन ही वाज चाइल्ड ही वुड प्ले, जब वो बच्चा था तब वो खेला करता था। वुड का यूज हम इमेजिनेशन को दिखाने के लिए भी करते हैं, ऐसी कल्पनाएं जो कि वास्तव में संभव नहीं है, प्रेजेंट में कोई कंडीशन नहीं लग रही, लेकिन हमारा मन सोचे जा रहा है। जैसे कि आई वुड वर्क इन यूके इफ आई गो देयर, मैं अगर यूके जाता हूं तो वहां पर काम करूंगा। So my dear students, here we are going to stop this lecture. Today we have understood 7 types of models and I hope you will practice with it. Subscribe our channel and press the bell icon. Thanks for being with us.